अच्छा, तो अब हम जो है वो एक्सरसाइज 3.4 की ही बात कर रहे थे, जिसमें अब बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि 5 y की पावर 1/2 माइनस सॉरी प्लस वाई की पावर 1/4 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। प्लीज 2 मिनट रुकिएगा, आसान हो रही है। रिड्यूस करना है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किस तरीके से रिड्यूस करें? बाय सपोजिशन। सपोजिशन क्या करेंगे भाई? यहाँ पे हम यहाँ पे वाई की पावर देखेंगे कि सबसे छोटी पावर कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे वाई की पावर 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई की पावर 1/4 लिखा हुआ है, तो कौन सी पावर छोटी है? 1/2 होता है 0.5, और अगर 1/4 1 को डिवाइड कराएं 4 से तो 0.25 आता है। तो इसका मतलब है 1/4 छोटा है 1/2 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट हम सपोजिशन करेंगे टी इज इक्वल टू वाई की पावर 1/4। यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की पावर 1/4 का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा वाई की पावर 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर 2, 2 टू 4, तो वाई की पावर 1/2 आ जाएगा। अब हमारा जो सवाल है ये चेंज हो जाएगा, वाई की पावर 1/4 की जगह पे आ जाएगा टी वाई की पावर सर, जी बोलिए। अजान ठीक है, मैं रुका हूँ। सर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब वाई की पावर 1/4 की जगह टी आ जाएगा, और वाई की पावर 1/2 की जगह टी स्क्वायर आएगा, वाई की पावर 1/2 की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × t² फिर ये प्लस की साइन आ गई, फिर इस वाई की जगह आ जाएगा हमारे पास टी माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। एक्स बराबर है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है,
यहाँ पे ए बराबर है टी स्क्वायर का जो कोफिशेंट है इसके, मतलब ए बराबर है 5 के। बी बराबर है टी के कोफिशेंट के, मतलब टी के आगे जो नंबर लिखा हुआ है 1। और सी बराबर है किसके, कांस्टेंट के, जो के बराबर है माइनस के 22 के। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन में वेरिएबल एक्स नहीं है, टी है, तो यहाँ एक्स की जगह टी आ जाएगा। ये बराबर होगा माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b की जगह 1 आ जाएगा, a की जगह 5 आ जाएगा और c की जगह माइनस का 22। नीचे भी a की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा, तो t आ जाएगा 1 माइनस का प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 5 20, 20 22 से मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 5 2 10। तो टी आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 441/10। फोर फोर वन का हम स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आएगा 21 डिवाइडेड बाय 10। अब ये दो हिस्सों में ब्रेक होगा, एक हिस्सा होगा माइनस 1 प्लस 21/10, मतलब एक दफ़ा बीच में प्लस की साइन, और फिर एक दफ़ा जो है बीच में माइनस की साइन आएगी। तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 20/10 और ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू -22/10। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2 मतलब 2 11 22 और 2 5 10। टी आ जाएगा 2 और टी आ जाएगा माइनस का 11/5। तो हमारे पास टी की वैल्यूज आ गई हैं, जो टी हमने यहाँ पे सपोज किया था उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ पुटिंग टी इज इक्वल टू, टी हमने शुरू में सपोज करा था वाई की पावर 4, तो हम यहाँ पे टी की जगह वाई की पावर 1/4 जो है पुट करेंगे इन अबव वैल्यूज। अब यहाँ पे इस टी की जगह आ जाएगा वाई की पावर 1/4 और ये बराबर हो जाएगा 2 के। यहाँ पे भी इस टी की जगह आ जाएगा वाई की पावर 1/4 और ये बराबर हो जाएगा -11/5 के। अब वाई की हमें क्योंकि वैल्यू निकालनी है और इस पे पावर 1/4 लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू में भी दोनों साइड्स पे पावर 4 लगा देंगे, इस वैल्यू पे भी दोनों साइड्स पे पावर 4 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस वाई से, मतलब 4 से 4 कैंसिल, वाई आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16। यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पावर इवन होने की वजह से माइनस की साइन हट जाएगी, तो ये 11/5 पे पावर 4 आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि आप 11 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के लिख दें, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के जो रिजल्ट आए वो लिख दें, जबकि बुक में यही आंसर लिखा हुआ है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और इन वैल्यूज को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। 16, 11/5 की पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल में कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें। सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद जो हमने वैल्यू निकाली थी टी इक्वल्स टू
टी इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन 5, उसके बाद का आप समझा दीजिए। टी की वैल्यू, टी की जगह हमने जो टी सपोज किया था, हम शुरू में जो टी सपोज करते हैं हम टी की जगह उस वैल्यू को रखते हैं, तो हमने टी शुरू में सपोज किया था ये y की पावर 1/4, तो इस t की जगह मैंने y की पावर 1/4 रख दिया, t 2 के बराबर था तो y की पावर 1/4 2 के बराबर हो गया। इस t की जगह भी हमने जो t सपोज किया था वो रख दिया और ये बराबर हो गया माइनस 11/5 के बराबर। अब पावर में 1/4 लिखा हुआ है और 1/4 एक ही सूरत में हट सकता है कि पावर 4 आ जाए, ताकि ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर 1/4 को हटाना है तो दोनों साइड्स पे हमें पावर 4 लगानी होगी, तो हमने क्या करा, दोनों साइड्स पे, दोनों वैल्यूज पे, इस वैल्यू पे भी और इस वैल्यू पे भी पावर 4 लगा दी। यहाँ पे 4 से ये 4 कट गया, यहाँ पे 2 की पावर में 4 आ गया, 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे भी पावर में 1/4 लिखा हुआ है, मतलब नीचे वाले 4 को अगर हटाना है तो दोनों साइड्स पे पावर 4 लगाएंगे। यहाँ पे भी इस वैल्यू पे भी पावर 4 लगाई, इस वैल्यू पे भी, तो ये पावर 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस 11 की पावर 4 तो 11 आ जाएगा। और क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर जब भी पावर में होता है तो माइनस की साइन हट जाती है, तो माइनस की साइन हमने हटा दी, 11/5 की पावर 4 हो गया। अब आपकी मर्जी, आप ये भी कर सकते हैं कि आप 11 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करा दें और जो रिजल्ट आए वो ऊपर लिख दें, नीचे 5 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएं, और 4 दफ़ा सॉरी, और जो रिजल्ट आया वो लिख दें, जबकि यहाँ पे भी आंसर को समझ में आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आप। सर ले लिए मैंने। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है x की पावर 2 अपॉन m माइनस 5 x की पावर 1 अपॉन m प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमें सपोजिशन करनी है ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। हमेशा हम छोटी पावर वाली वैल्यू को सपोज करते हैं। एक जगह पे लिखा हुआ है हमारे पास x की पावर 2 अपॉन m और एक जगह लिखा हुआ है x की पावर 1 अपॉन m, तो कौन सी पावर छोटी होगी? इन दोनों में से कौन सी पावर छोटी होगी? इस वैल्यू में ऊपर 2 आ रहा है और इस वैल्यू में ऊपर 1 आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो नंबर है वो इससे बड़ा नंबर है, तो 2 क्योंकि 1 से बड़ा नंबर है तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो छोटी वैल्यू है इसको सपोज करेंगे, मतलब हम x की पावर 1 अपॉन m को t के बराबर सपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर 1 है और यहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ है, 2 एक बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू बड़ी होगी। सपोज करने के बाद हमेशा हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो हमारे पास t का जो स्क्वायर है ये बराबर आ जाएगा। जी बोले सर, आप सवाल दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, आवाज सही से नहीं आ रही थी, अब क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल में हमें सपोजिशन करनी है ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। अब क्या सपोजिशन करें, हमारे पास दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, हमेशा हम वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल है एक x की पावर 1 अपॉन m और एक वेरिएबल है x की पावर 2 अपॉन m।
अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल छोटा है, मतलब किसकी पावर छोटी है। तो बेटा यहां पे ऊपर पावर में 1 लिखा हुआ है और यहां पे ऊपर पावर में 2 लिखा हुआ है, तो 2 एक बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 1, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि इसके ऊपर 1 आ रहा है और इसके ऊपर 2 आ रहा है। तो जो भी छोटी वैल्यू है उसको हम सपोज करेंगे टी के बराबर, मतलब हमने क्या करा, इस एक्स की पावर 1/m को टी के बराबर सपोज कर लिया। जैसे ही टी के बराबर सपोज करा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लगाने से फायदा क्या होगा, टी का स्क्वायर बराबर आएगा, ये पावर 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये एक्स की पावर 2/m आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? जी सर। अब यहां पे सवाल बन जाएगा हमारा, ये जो वैल्यू है इसकी जगह आ जाएगा टी का स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसकी जगह आ जाएगा टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मर्जी आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें या फिर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हाँ उसी से करा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ए हमारे पास टी स्क्वायर के आगे जो नंबर है मतलब 1, कुछ नहीं है तो 1 है। बी जो है टी के आगे जो नंबर है माइनस का 5, और सी हमारे पास है 6। अब यहां वेरिएबल टी है तो इस एक्स की जगह भी टी आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b की जगह आ जाएगा माइनस का 5, a की जगह आ जाएगा 1, c की जगह आ जाएगा 6, तो t आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 डिवाइडेड बाय 2, तो टी आएगा 5 प्लस माइनस रूट 25, में से 4 24 गया तो 1 बचा, तो हमारे पास टी आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1/2। अब ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, एक दफा प्लस का 1 लिखेंगे और एक दफा हम माइनस का 1 लिखेंगे, तो टी आ जाएगा 6/2, टी आ जाएगा 4/2, तो 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 2 4। T=2। अब वही बात है, टी हमारे पास आ गया है, तो टी हमने जो सपोज किया था वो हम यहाँ पे रखेंगे। नाउ पुटिंग टी इज इक्वल टू, टी हमने सपोज करा था एक्स की पावर 1/m, इन अबव वैल्यूज। तो अब हमारे पास ये यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है, इस टी की जगह जो टी हमने सपोज करा है वो आएगा, मतलब एक्स की पावर 1/m, टी बराबर है 3 के, तो ये भी बराबर हो जाएगा 3 के। इस टी की जगह एक्स की पावर 1/m आ जाएगा, टी बराबर है 2 के, तो एक्स की पावर 1/m भी बराबर हो जाएगा 2 के। अब हमें यहां पे एक्स की वैल्यू चाहिए, मैं इसको एज इट इज उतार रहा हूं। एक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो पावर में से 1/m हमें हटाना होगा,
क्योंकि m डिवाइड में मौजूद है, नीचे मौजूद है, तो m को हटाने के लिए हमें दोनों साइड्स पे m पावर लगानी पड़ेगी, मतलब x की पावर 1 अपॉन m पे पावर m लगेगी, 3 पे भी पावर m लगेगी, यहाँ पे भी दोनों साइड्स पे हम पावर m लगाएंगे ताकि ये नीचे वाला m खत्म हो जाए, ये m से ये m कट जाएगा, ये m से ये m कट जाएगा, x बराबर आएगा 3 की पावर m, x बराबर आएगा 2 की पावर m, यहाँ पे हम बीच में लिख भी देंगे टेकिंग mth पावर ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स की एक वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास और एक्स की एक वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 3 की पावर m, 2 की पावर m और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं। अब हम सर सर आज कितने सवाल करेंगे? क्यों थक गई हैं? नहीं सर, वैसे ही पूछूं। अभी एक सवाल और कर लेते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल पावर में मौजूद है, एक्स पावर में मौजूद है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अब मुझे इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को भी अगर सॉल्व करना है तो मुझे इसको पहले रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक में, मुझे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, देन मैं उसके बाद इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, कि हमें ये सोचना है कि हमें यहाँ पे क्या सपोजिशन करनी चाहिए। हमें टी जी बोले टी सपोजिशन हाँ टी तो हम सपोज करेंगे, लेकिन हम किसको टी सपोज करेंगे? हम ऐसी वैल्यू को टी सपोज करेंगे जहां पे वेरिएबल मौजूद है। सबसे पहला काम तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि 2 की पावर में 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, मतलब हम इस 2 की पावर को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। हम पहले लिखेंगे 2 की पावर 2x, सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है क्लियर? जी सर अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें सपोजिशन करनी है, तो सपोजिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की जो भी पावर है इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। 2 की पावर 2x लिखा हुआ है प्लस 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 2x हम अलग लिख देंगे, 2 की पावर 3 हम अलग लिख देंगे।
माइनस की साइन 9 × 2 की पावर x + 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसे वापस बेस सेम पावर ऐड करता हूं तो ये वापस 2x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा भाई, ये जो 2 का क्यूब है इसका मतलब ये है कि हमें 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। ये जो वैल्यू पहले लिखी हुई थी इस वैल्यू को मैंने बाद में लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 2 की पावर 2x माइनस का 9 × 2 की पावर x + 1। अब हमें यहाँ पे सपोजिशन करनी है, हमें ऐसी वैल्यू को सपोज करना है जिसमें वेरिएबल मौजूद है। तो कहाँ पे वेरिएबल मौजूद है, दो जगहों पर वेरिएबल मौजूद है, एक इस जगह पर वेरिएबल मौजूद है पावर में, एक इस जगह पे वेरिएबल मौजूद है पावर में। हमेशा हम छोटी वैल्यू को सपोज करेंगे, तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है? सर 2x, हाँ, 2 की पावर x। मतलब 2 की पावर x। तो हम t सपोज करेंगे 2 की पावर x को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x का स्क्वायर। जब भी किसी नंबर पे दो पावर्स आ जाती हैं तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 2x हो जाएगा। तो 2 की पावर x को हमने t सपोज किया है, इसकी जगह t रखा जाएगा, इस वैल्यू की जगह आएगा t का स्क्वायर। अब यहां पे सवाल बन जाएगा, 8 t² - 9t + 1 = 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ए यहाँ पे t² के आगे वाला नंबर है, बी यहाँ पे टी के आगे वाला नंबर मतलब माइनस का 9, और सी यहाँ पे आपके पास ये नंबर मतलब 1। +1। तो अब हमारे पास टी आ जाएगा माइनस का बी, बी की जगह -9 प्लस माइनस √b² मतलब -9 का स्क्वायर -4, ए की जगह आएगा हमारे पास 8, सी की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास टी बराबर आ जाएगा 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81, 4 8 = 32 डिवाइडेड बाय 8 2 = 16। तो 9 प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करा देंगे तो हमारे पास √49 आएगा, 81 - 32। 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 7 आ जाएगा, 7 / 16 हो जाएगा। अब इसको वही काम करेंगे, दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, t बराबर होगा 9 + 7/16, t बराबर होगा 9 - 7/16। तो t आ जाएगा हमारे पास 16/16, टी आ जाएगा हमारे पास 2/16। तो 16 × 1 = 16 हो जाएगा, और ये तो ये 2 × 2 = 2, 2 8 = 16। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, एक टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/8। अब वही बात है कि टी जो हमने सपोज किया था वो हम यहाँ पे रखेंगे, इस टी की जगह भी, इस टी की जगह आ जाएगा 2 की पावर x, और ये बराबर हो जाएगा 1 के, इस टी की जगह भी आ जाएगा 2 की पावर x, ये भी बराबर हो जाएगा 1/8 के। अब मसला क्या है कि हमें x की जो वैल्यू निकालनी है, x पावर में मौजूद है और पावर से हमें वैल्यू निकालनी है। तो पावर से वैल्यू हम कैसे निकालें, जब तक बेस इक्वल नहीं होंगी तब तक हम पावर से वैल्यू नहीं निकाल सकते।
मतलब यहाँ पे 2 की पावर x लिखा हुआ है, मुझे इसकी जगह भी 2 चाहिए, तो मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ, मैं 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो रिजल्ट वापस 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ 2 लाना था, तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर 0 लिख दूंगा ताकि दोनों की बेस इक्वल हो जाए, तो दोनों की बेस इक्वल हो गई तो देयरफॉर पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, पावर यहाँ एक्स है यहाँ पे 0 है, तो दोनों की दोनों पावर्स इक्वल हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ आ जाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर एक्स, नीचे 8 लिखा हुआ है, 8 को हमें 2 में कन्वर्ट करना है, तो 8 की जगह 8 का अगर हम एलसीएम ले तो आता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 का क्यूब जो है वो 8 के बराबर होता है, तो मैं 8 की जगह पे 2 का क्यूब लिख सकता हूं। मैं करूंगा क्या, इस 2 के क्यूब को ऊपर ले आऊंगा, जब भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर की साइन नेगेटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव 3 थी, ऊपर आने पे पावर नेगेटिव 3 हो गई। अब दोनों की बेस इक्वल है, यहां भी 2 लिखा है, यहां भी 2 लिखा है, तो जो पावर्स हैं ये दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगी, मतलब एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, और हमारे पास ये एक्स की रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई, रिजल्ट हो जाएगा 0, -3। समझ आई बात या नहीं समझ आई? नो सर, क्या चीज समझ नहीं है सर? ये जो टी के वैल्यू इक्वल्स टू 1 है और टी के वैल्यू 1/8, यहाँ से समझ में नहीं आया। देखे ना, टी की वैल्यू तो हमने क्योंकि सपोज करी थी, तो सबसे पहले तो हमने टी की जगह 2 की पावर एक्स लिख दिया, जो 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 सपोजिशन करी थी यहाँ पे वो हमने उठा के यहाँ लिख दी। अब पावर में वेरिएबल मौजूद है, एक्स जो है वो पावर में मौजूद है, क्योंकि पावर में वेरिएबल मौजूद है तो एक ही सूरत में इसकी वैल्यू निकल सकती है, जब यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 2 आ जाए, दोनों जगहों पर 2 अगर आ जाएगा तो जो पावर है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो मुझे यहाँ पे क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ भी 2 चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ था 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि 1 रिजल्ट कब आता है, जब भी किसी नंबर की पावर में 0 आ जाए या वेरिएबल की पावर में 0 आ जाए तो रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर आता है। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे 2 की पावर x लिखा हुआ है, मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो मैंने अपनी मर्जी से 2 लिख दिया। अब मैथमेटिक्स कहती है अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हो तो रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, मैंने 2 तो लिख दिया लेकिन जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो मुझे 2 की पावर में एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से ये रिजल्ट 1 के बराबर हो जाए, तो 2 की पावर 0 1 के बराबर होता है, मतलब इसकी जगह मैं वापस 1 लिख सकता हूँ, तो अगर कहीं 1 लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, 4 की पावर 0 लिख सकता हूँ, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था और मुझे यहाँ भी 2 चाहिए था, तो मैंने यहाँ 2 की पावर 0 इसीलिए लिख दिया ताकि जो पावर्स हैं वो बराबर हो जाएं, मतलब ये x बराबर हो जाए 0 के और मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। इसी तरीके से अब मैंने इस t की जगह पे रखा 2 की पावर x, मतलब यहाँ मैंने 2 रख दिया तो मुझे इस साइड पे भी 2 चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे इस साइड पे भी 2 लाना होगा, तो मैं 2 कैसे लेकर आऊं? तो मुझे सबसे पहले 1/8 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 की फॉर्म में। मैंने कहा कि भाई 8 जो है वो होता है 2 का क्यूब, तो मैंने 8 की जगह लिख दिया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिख दिया, 2 के क्यूब को ऊपर लाऊंगा, मतलब नीचे से वैल्यू जब भी ऊपर जाएगी तो पावर की साइन चेंज होगी और कुछ नहीं होगा, मतलब 1/2 का क्यूब लिखा हुआ था इसको हम ऊपर ले गए तो 2 की पावर -3 हो गई, मतलब पावर की साइन चेंज हो गई। अब यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, दोनों जगहों पर 2 लिखा हुआ है, तो पावर्स इसकी इक्वल हो जाएंगी, मतलब x बराबर हो जाएगा -3 के,
क्योंकि एक साइड पे 2 की पावर x लिखा हुआ है ना, तो हमें दूसरी साइड पे भी कुछ ना कुछ करके 2 लाना है। अभी भी समझ आया नहीं आया? जी सर, समझ में आ गया। चलें इसकी आप पिक्चर ले लें, बाकी ये कि नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और ठीक है, ठीक है, तो मैं फिर क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज सर। क्लास यहीं तक ही? आज आज यहीं तक ले रहा हूँ। सही है, ठीक है, हाफिज।